इन बादलों को देखो, कितने खूबसूरत है ना। कहाँ पर? उन्हें भी पता नहीं कि कितनी दूर तक साथ जा पाएंगे, पर बस वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कोई एक बारिश बनकर पिघल ना जाए। अरे सुनती हो, तुम्हारा शौहर कब लौट रहा है दुबई से? वो बुला रहे हैं। भैया, हैप्पी बर्थडे मतलब? मतलब जन्मदिन। तो हमारा बर्थडे नहीं होता क्या भैया? अरे हमारा भी बर्थडे होता है रे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ था, हमारा परिवार कहाँ है। एक दिन पेपर में मेरी भी फोटो छपेगी, जैसे आपका कपिल देव, मेरा धोनी, उसी तरह छपेगी। वो आप देखना अच्छी बात है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। भाई हमें केक के लिए 300 रुपए चाहिए भाई। मेरे पास पाव खाने के लिए पैसे नहीं है और तुझे केक खाना है? इतने सारे पैसे लेकर आई है ये, पूछ रहे क्या हुआ? बुलाओ उसको। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, ये बात समझ में नहीं आती है, या दूसरे तरीके से समझाओ। मेरी किस्मत थोड़ी ना खराब है जो मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मुझे लगा था कि तुम हमें पूरे एहतराम के साथ दफन करोगे, तुमने तो हमें मरने से पहले ही दफन कर दिया। पिछले 2 दिनों से शहर में भारी बारिश हो रही है, सारी सड़कें पानी से भर गई हैं। भले ही मैं कुछ सुन नहीं सकती, लेकिन मैं फिर भी प्रार्थना करती रहती थी। मुझे कैसे नहीं पता चला कि तुम भी बह रहे हो। मेरे डूबने से पहले तुम इस पानी में डूब जाओगे, फिर मुझे कैसे बचाओगे? ये मूर्तियां पिघल ना जाए इसलिए रो रहे हो ना? जब उसके बनाए इंसान पानी में डूब रहे हैं तो तुम लोग भला इसके लिए क्यों रो रहे हो?